सो हे गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड फाइनली आज की एक और न्यू टिप्स एंड ट्रिक्स वाली वीडियो के साथ में। तो गाइज, आज की वीडियो में हम ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं ना भाई, जिसके बारे में आपने कभी सोचा तक नहीं होगा, लेकिन वो जो टॉपिक है ना भाई, आपके गेम प्ले पे आप सोचोगे नहीं कि इतना ज़्यादा इंपैक्ट डाल सकता है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि भाई, सभी जो प्रो प्लेयर्स हैं ना, वो अपना फीमेल कैरेक्टर ही क्यों बना के रखते हैं। लाइक हमारे पास दो कैरेक्टर होते हैं, एक मेल कैरेक्टर होता है जैसे एंडी हुआ, या फिर कार्लो हुआ, या फिर हमारा वेक्टर हुआ, या फिर नॉर्मल कैरेक्टर हुआ, और हमारे फिर दूसरे आ जाते हैं जैसे कि सारा हुई, या फिर नॉर्मल कैरेक्टर हुआ, जैसे मैंने अभी फीमेल नॉर्मल बना रखा है। तो वो वाले कैरेक्टर भाई ज्यादातर जो प्रो प्लेयर्स है वो यूज क्यों करते हैं। आप किसी भी मॉन्टाज क्रिएटर को देखोगे ना गाइस, वो हमेशा भाई फीमेल कैरेक्टर ही यूज करते हैं, या फिर ज्यादातर आप कॉम्पिटिटिव प्लेयर्स को भी देखोगे ना, तो वो ज्यादातर जो है फीमेल कैरेक्टर ही यूज करते हैं। अब ऐसा क्यों है, इसके पीछे की सच्चाई तुम्हारा भाई आज तुम्हें बताने वाला है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, क्योंकि यार भाई तुम लाइक आजकल कम कर रहे हो, देख रहा हूं मैं सब कुछ। तो ये वाले वीडियो पे भाई 15,000 का लाइक है, फटाफट से कंप्लीट करवा देना। एंड बाकी अगर तुम चाहते हो कि तुम भी यार बीजेएमआई में सभी की तरह प्रो बन जाओ, तो यार ये वाली चैनल म्यूटू नाम की चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, क्योंकि यहाँ पे ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स वाली वीडियोस मैं डालता रहता हूँ, एंड गेम प्ले वीडियोस भी आती रहते हैं। बाकी यार देखो, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना नहीं है बिल्कुल भी। बाकी अभी विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट गेट स्टार्टेड। तो गाइस देखो, यहाँ पे शुरुआत में मैं सबसे पहले ना लोगों के डाउट्स क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि काफी ज्यादा लोगों को पता है क्या लगता है कि फीमेल हम कैरेक्टर रखते हैं ना, तो हमारा बंदा तेज मूव करता है, या फिर हमें डैमेज कम पड़ता है, और ऐसी ऐसी चीजें लोग सोचते हैं। और अगर मेल कैरेक्टर हम रखते हैं तो हमारा बंदा स्लो भागता है। एंड इवन देखो गाइस, कमेंट सेक्शन में मुझे काफी बार लोगों ने कमेंट किया है कि भाई हमें जरूर से बताना कि यार ये फीमेल और मेल कैरेक्टर का चक्कर क्या है, ज्यादातर लोग जो है फीमेल कैरेक्टर क्यों यूज करते हैं। अब देखो गाइस, मैं यहाँ पे पूरे ना अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखने वाला हूँ, कोई भी इसके पीछे देखो कहीं भी तुम्हें स्टेटमेंट नहीं मिलेगी ऑफिशियल की तरफ से कि हाँ देखो फीमेल कैरेक्टर कोई यूज क्यों करता है। तो यहाँ पे बस मैं अपने आपको जो लगता है ना, जो मैं सोचता हूँ, वो सारी चीजें तुम्हें बताने वाला हूँ। गाइस देखो, सबसे जो पहली चीज आ जाती है ना, जिसकी वजह से मोस्टली जो मोन्टाज क्रिएटर्स हैं या फिर कॉम्पिटिटिव प्लेयर्स हैं, वो फीमेल कैरेक्टर को यूज करते हैं, वो होता है भाई देखो, मतलब फीमेल कैरेक्टर तुम्हें भी पता है हमारे वेक्टर से, या फिर हमारा जो मेल कैरेक्टर होता है उससे बहुत ज्यादा पतली होती है दिखाई देने में। और देखो इससे क्या फर्क पड़ता है ना, जब भी तुम ज़िगज़ैग मूवमेंट देते हो, भागते हो ना, तो तुम्हारे दिमाग में इल्यूजन क्रिएट होता है कि यार तुम्हारा जो बंदा है ना वो तेज भाग रहा है। जबकि अगर तुम किसी बड़े से आदमी को ले लेते हो, विक्टर को ले लेते हो, या फिर तुम कार्लो को ले लेते हो, और उस पर तुम आउटफिट भी पहनोगे, तो वो और ज्यादा चौड़ा और मोटा हो जाता है। तो इससे होता क्या है ना कि तुम जितना भी मूवमेंट दोगे ना, तो तुम्हें बंदा लगेगा कि यार बहुत स्लो स्लो भाग रहा है बंदा। गाइस जबकि ऐसा रियलिटी में कुछ भी नहीं होता, दोनों की स्पीड है ना भाई एकदम सेम होती है, लेकिन वो जो बंदा है ना भाई, उसके साइज चौड़ा होने की वजह से वो लगता है कि तुम्हें स्लो स्लो भाग रहा है बंदा। तो एक तो भाई देखो ये रीजन आ जाता है। पर्सनली देखो, मैं भी इसी रीजन की वजह से जो है फीमेल कैरेक्टर को यूज करना ज्यादा प्रेफर करता हूँ। अब देखो सेकंड रीजन की अगर बात करें ना, तो वो हो जाता है भाई हमारा आउटफिट्स। अब तुम नोटिस कर लेना भाई, तुम किसी भी रॉयल पास में देख लेना, या फिर तुम किसी भी इन्वेंटरी में देख लेना, तुम्हारी खुद की इन्वेंटरी में तुम जाके देखोगे ना, तो ज्यादातर जो आउटफिट्स है ना भाई, वो फीमेल कैरेक्टर्स के लिए है। एंड गाइस देखो, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि फीमेल कैरेक्टर की जो ड्रेसेस है ना भाई, वो ज्यादा अच्छी लगती है दिखने में, या फिर ये लोग ऐसा बनाते हैं उनको खुद चला के। क्योंकि यार देखो, मेल कैरेक्टर की आउटफिट्स है ना भाई एकदम बड़ी बड़ी हो जाती है, तुम कवर में भी रहोगे तो तुम्हें ज्यादा पड़ने के चांसेस होते हैं, तो थोड़ा सा बल्की हो जाता है वहां पे सीन। और अगर हम फीमेल कैरेक्टर्स की बात करें, तो वहाँ पे स्किनी स्किनी आउटफिट जो आती है ना, उनमें भाई खेलने में अलग ही मजा आता है। जैसे कि मैंने बताया, बंदा जितना ज्यादा पतला दिखेगा ना, उतना ज्यादा तुम्हें इल्यूजन क्रिएट होगा कि हाँ यार ये बंदा मेरा जो है फास्ट भाग रहा है। और ज्यादातर जो आउटफिट्स है ना, वो आती भी फीमेल कैरेक्टर्स के लिए है। तो मैं खुद की भी इन्वेंट्री खोल के देखता हूँ ना भाई, तो मैं ज्यादातर जो है फीमेल वाली आउटफिट्स ही देखता हूँ वहाँ पे। तो एक ये भी बहुत ज्यादा बड़ा रीजन हो जाता है। एंड जो मेल कैरेक्टर्स की जो आउटफिट्स है ना, वो इतनी ज्यादा प्लीजिंग नहीं होती भाई, मतलब राजा महाराजा वाली आउटफिट्स ये बना दे रहे आजकल, तो इतने ज्यादा जो है मजा नहीं आता। हाँ सीजन देखो 6 में 4 में, आई डोंट नो तुम में से कितने ज्यादा लोग पहले से खेल रहे, लेकिन जब मैं खेला करता था पहले पबजी मोबाइल, तब भाई आउटफिट्स है ना बहुत ज्यादा क्रेजी आया करती थी, इवन मेल कैरेक्टर्स की भी, और फीमेल की तो खैर आती ही थी वहाँ पे, तो तब है ना भाई सीन थोड़ा अलग था। लेकिन अभी यार देखो, आउटफिट्स पहना इतना ज्यादा ये लोग है ना, मतलब रिसर्च नहीं कर रहे, कुछ भी जो मन में आता है इनके वो बना डालते हैं, तो ऐसा मुझे फील होता है। बाकी तुम क्या सोचते हो इस बारे में, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। एंड बाकी ऑल्सो गाइस, देखो मैंने तुम्हें बताया कि कवर में रहते हैं ना भाई, तो ज्यादातर जो है ना मेल कैरेक्टर को जो है गोलियां ज्यादा कनेक्ट होती है, क्योंकि पहले से वो इतना चौड़ा रहता है, ऊपर से उसकी ड्रेसेस अगर तुम वैसे पहन लेते हो बड़ी वाली, जैसे कि इस वाली जो आरपी में ड्रेस है ना भाई, वो कितनी ज्यादा बल्की हो जाती है, उसका हेडगियर भी बहुत ज्यादा बड़ा है, और उसकी जो आउटफिट है ना वो बहुत ज्यादा चौड़ी हो जाती है। तो ऐसे में गाइस, कभी आप देखो कवर में, वो छोटा सा कवर है आपके पास, तो वहां पे चांसेस आर देर कि तुम्हारे जो है एक दो गोली कनेक्ट हो जाएगी। तो यार गाइस देखो, ये कुछ रीजन थे जिनकी वजह से जो है ज्यादातर लोग प्रेफर करते हैं फीमेल कैरेक्टर को यूज करना बजाय हमारे मेल कैरेक्टर के। तो गाइस देखो, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई, इनके बारे में तुम्हें क्या लगता है, और तुम पर्सनली कौन सा कैरेक्टर यूज करते हो, या फिर वेक्टर यूज करते हो, या फिर तुम कार्लो यूज करते हो, एंडी यूज करते हो, सारा यूज करते हो,
फीमेल कैरेक्टर कौन सा यूज करते हो, तो वो सारी चीजें तुम्हें कमेंट सेक्शन में बतानी है मुझे। और बाकी देखो समझ में आ गया होगा तुम्हें अभी तक कि क्यों ज्यादातर प्रो प्लेयर्स जो है फीमेल कैरेक्टर को यूज करते हैं। बाकी अभी वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर से कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स वाली एंड गेम प्ले वीडियोस के लिए। बाकी मैं मिलता आपसे वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, लव यू गाइस, कीप ग्राइंडिंग। बचाओ यहीं पे मारना।